Very good morning guys, welcome to the Resham IAS Academy's YouTube channel. In this video of foreign affairs editorial analysis guys, we have Iran's women on the front lines. तो प्रोटेस्ट के बारे में जानते हो आप, पहले भी एक आर्टिकल हमने किया था जहाँ पे लिमिटेशंस और राइट्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी, कितना सही है कितना गलत है ड्रेस को लेके या हिजाब कंट्रोवर्सी के लेके, जो सारी बात थी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, पहले वाले आर्टिकल का भी आप चेक कर सकते हो. पर इस आर्टिकल में गाइज उन्होंने लिखा है कि वाई फीमेल लेड मूवमेंट्स सक्सीड, नो डाउट, बट कहते हैं ऑल्सो रिस्क बैकलैश. सक्सीड होती हैं, नो डाउट होती हैं, पर कहते हैं एक जो डिसकंटेंट का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बैकलैश होने का बहुत डर है और होता भी है, तो कहते वो उसका एक रिस्क है. तो डेफिनेटली मतलब विद एग्जांपल्स सपोर्ट करेगा इस बात को. तो लेट्स सी मतलब क्या है. सो देर इज़ नो साइन दैट द प्रोटेस्ट मूवमेंट लेड बाय वुमेन इन ईरान इज स्लोइंग डाउन वेल डिस्पाइट वायलेंट क्रैकडाउन्स बाय ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस. पर उसके बावजूद भी वुमेन जो हैं अपना वो प्रोटेस्ट जारी है. सो जस्ट लास्ट वीक थाउजेंड्स ऑफ ईरानियंस मार्च्ड टू द सिटी ऑफ सिगेज, द होम टाउन ऑफ महसा जीना अमीनी, हुज डेथ इन कस्टडी 40 डेज अर्लियर हैड स्पार्क्ड एन आउटपोरिंग ऑफ पब्लिक ग्रीफ एंड आउटरेज दैट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ मास मूवमेंट नाउ. तो अमीनी, अ 22 ईयर ओल्ड कुर्दिश ईरानियन, हैड बीन विजिटिंग फैमिली मेम्बर्स इन तेहरान व्हेन शी वॉज अरेस्टेड बाय द मोरालिटी पुलिस फॉर एलिजिडली वायलेटिंग ईरान्स हिजाब लॉ, जिसके चक्कर में कस्टडी में चले गए और अरे डेथ हो गई वहाँ पे. सो विटनेसेस क्लेम दैट द पुलिस सीवियरली बीट हर, शी डाइड 3 days लेटर इन अ हॉस्पिटल आफ्टर स्लिपिंग इनटू अ कोमा. सो हर डेथ हैज़ कैटलाइज्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सस्टेन्ड अपराइजिंग्स इन ईरान इन अ जनरेशन, मोबिलाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ ईरानियंस एंड सपोर्टर्स ग्लोबली. देखिए कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बात करें या कस्टोडियल डेथ के बारे में बात करें, इज़ अ वेरी हॉरिफिक इंसिडेंट. आप सारी चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख दीजिए, पर अगर हम एक सिंपल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी देखें, वायलेट किया था नहीं किया था, कंट्रीज़ के लॉज को हैम्पर किया था या हमारे ये राइट्स हैं, वो सब एक तरफ है, उसकी डिबेट ठीक है, वो जायज़ है नहीं जायज़ है वो जाने, उनका काम जाने. हमारा सपोर्ट नो डाउट जो है वो इस कॉज के लिए डेफिनेटली है कि फीमेल्स हैव द डेफिनेट राइट टू वियर वट एवर दैट दे कैन. मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैं फिर से आपको यही दोहराऊंगा, जो एक लिमिटेशन है, जो एक ग्राउंड है सोसाइटी में. मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब लीडर्स कौन होते हैं ग्राउंड सेट करने वाले. तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा देखिए सवाल, लास्ट टाइम भी था, इस बार भी जब भी आर्टिकल में ऐसी बात होती है तो रहता है, फिर डिफाइन अगर वो नहीं करेगा तो डिफाइन करेगा कौन? मतलब फिर डिफाइन आप करोगे, मतलब बीइंग द सो कॉल्ड वुमेन या बीइंग द सो कॉल्ड मैन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, फिर इसका मतलब आप डिटरमिन करोगे दैट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू वियर और समथिंग. और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ द फ्रीडम दैट यू अंडरस्टैंड बेसिकली, देन आई सीरियसली थिंक देर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज डेफिनेटली द ग्राउंड्स ऑफ द फ्रीडम, आप मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही दी थी, आज भी एग्जाम्पल उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दे के ही मैं आपको बताऊँगा. अगर आर्टिकल 19 में हमारे पास फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन और ये सब कुछ अलाउड है, या फ्रीडम रिलीजन की भी अगर मैं देखूँ आर्टिकल 25 में ये सब अलाउड है, नो डाउट अलाउड है एंड दैट्स रियली गुड, होना भी चाहिए. पर क्या किसी ने ये नहीं बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं? क्या ये नहीं पता कि पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ वो अलग बात है कि उनके जो लॉज हैं वो इतने ज़्यादा ड्रैकोनियन हैं कि मतलब जो मोरालिटी भंग हुई भी नहीं थी उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने उठाया, ये एक ज़रूर मेजर है जिसके ऊपर सवाल जवाब होने भी चाहिए. और अगर इन दैट केस वो लोग आपके कर रहे हैं तो वो बहुत एक बेहतरीन बात है, बिकॉज़ दे आर नॉट ओनली फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, पर मैं बहुत बड़ी बात बहुत बोलूँगा, दे आर फाइटिंग फॉर द सो कॉल्ड जनरेशनल मोबिलिटी ओवर देयर. सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो जनरेशनल मोबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं एंड देन डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट केस. पर थोड़ा सा फ़र्क है देखिए गाइज, आपको समझना पड़ेगा,
एक सो कॉल्ड फ्रीडम में दैट कम्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और एक सो कॉल्ड लिबर्टी में जो एक प्राइस के साथ आती है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, जो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है। तो मैं सिर्फ इसी बात को ही आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली यू हैव द राइट टू वियर एंड यू हैव द राइट टू बिलीव एंड यू हैव द राइट टू बी विद एनीबडी और हूसोएवर विद समबडी वट एवर दैट यू वुड लाइक टू हैव। पर ऑब्वियसली इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन अ सोसाइटी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आवर सोसाइटी इज़ रियली गुड विदाउट एनी क्राइम और विदाउट एनी समथिंग, देन डेफिनेटली गाइज उसके कुछ लिमिट्स हैं और वो आपको आज नहीं तो कल रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। आप इसे रिग्रेसिव नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते ये बहुत बैकवर्ड ओरिएंटेड सोच है कि यू आर नॉट अलाउइंग फॉर द फ्रीडम। अगेन आई विल रिपीट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू द पीपल इज डेफिनेटली वेलकम, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू गेट द लाइसेंस और यू गेट द वैलिडिटी टू डू वट एवर दैट यू वॉन्ट। सिर्फ यही बात है, दैट्स वट आई एम ट्राइंग टू से। तो कुछ वैसा ही है। हाँ, नो डाउट मैंने जस्टिफाई किया इस बात को कि ड्रेकोनियन लॉज बनाना ये भी कोई लीडर्स का मैंडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ द पीपल हु गिव द अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट, और ये अंडर द सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज अगर हम देखें ये बिल्कुल डिफाइंड बात है दैट इफ द लीडर्स आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द सोसाइटी देन डेफिनेटली पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो देखते हैं फिर आगे क्या लिखा है। Protesters have adopted the Kurdish slogan "Woman, Life, Freedom" as their rallying cry and have taken to the streets to demand political freedom in the face of internet blackouts, mass arrest, and live fire attacks by security services. So the remarkable size and resilience of these protests are directly tied to the central participation of women. So when women are on the front lines, mass movements have a higher chance of succeeding and are likelier to lead to more egalitarian democracy. Well, no doubt about it, and definitely truth. So this is one of the reasons ki today's protests are so threatening to the Iranian regime. Well, as two of us wrote in Foreign Affairs earlier this year, fully free, politically active women are a threat to authoritarian and authoritarian leaning leaders, and so those leaders have a strategic reason to be sexist, or I should say authoritarianist in that case. So that is why they are trying to suppress that. So over the past year in Iran, the government's control over women's lives has tightened, especially regarding the hijab law. Viral videos of the morality police violently enforcing the law have generated a swell of anger and defiance. Amini's death was arguably the tipping point, and that led the so-called discontent among the people to flare up. So from the start, women have set the tone of these protests and have found innovative ways to register their anger with the government. So although men have also participated in large numbers, but they have done so in the name of Amini and by embracing more feminist rhetoric than ever before. And that's a good sign if the basically males of the Iran are even coming to the streets and then, you know, participating with women on the same agenda. Well, definitely they are creating a good society for them. So in this way, women's organizing and outrage have laid the groundwork for a much wider pro-democratic uprising. So this is a moment of great hope but also great worry. Aisa kyun hai, yahi humne pata karna hai. So although the extensive frontline participation of women in protest movements often makes them more effective, but it also raises the stakes dramatically. So should the Iranian regime defeat today's protesters, an even deeper patriarchal backlash could follow, potentially setting back Iranian women's rights and political freedom by decades. तो कहते आज अगर वो इस बात को दबाते हैं तो कहते फिर एक गहरा और एक बहुत मतलब एक deeply entrenched कहूँगा मैं patriarchal backlash आपका आएगा, और Iranian मतलब महिलाओं के rights के लिए जो भी कहते आज से पहले progress है वो definitely आपकी निपिंदी बर्ड हो जाएगी, तो पीछे पीछे चला जाएगा। कहने का मतलब बहुत एक यही डर है। तो इस आर्टिकल में खैर और एलैबोरेट करेगा इस पॉइंट को, तो विल लुक इनटू दैट। सो वेल, इन द मंथ्स बिफोर अमीनी वाज किल्ड, पेंट अप एंगर वाज बिल्डिंग इन ईरान। अ वुमन नेम्ड सेप्ती रशनो
Sapedi Prashno was arrested, beaten and forced to confess on state-run TV after an altercation with a female hijab enforcer on a city bus that went viral in July. So in another incident, a viral video showed a mother trying to stop a police van crying, "Please release my daughter, she is sick." The van proceeded, ignoring her pleas. So in addition to the hijab-related attacks, the government recently implemented a natalist population policy that imposes social control over women and families and is poised to further marginalize women from the public sphere who intends to or who somehow violate the hijab policy. Well, the policy denounced by the UN High Commissioner on Human Rights criminalizes abortion and restricts family planning and reproductive health care such as fetal monitoring, access to contraceptives and voluntary vasectomies. So ye sab cheeze, ye to matlab goes without saying hai ki jo log dekhiye ड्रेस कोड के ऊपर इतने ड्रैकोनियन मेजर्स हैं तो हम रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में खैर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मतलब वो चीज़ें वहाँ पे एक्सेसिबल हैं या नहीं. मोना तजाली, स्कॉलर ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हैज़ नोटेड दैट ड्यूरिंग द पास्ट टू डेकेड्स इरानियन वुमेन वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट हैव मेड सम प्रोग्रेस एट लीस्ट इन ओपनिंग अ पॉलिटिकल स्पेस एंड इंक्रीजिंग इंक्लूजन. जैसे कि Tajali notes that there have been numerous non-violent protests against mandatory hijab since its introduction in 1979. Aur 2018 mein to kehte even female members of Iran's parliament arranged for the first official government survey on the state's religious decrees on women's dress, revealing that ki a solid majority of Iranians disapproved of such measures. But in 2020, a conservative crackdown began to reverse these hard-won gains, with fundamentalist leaders banning outspoken women from running for office, persecuting them with frivolous lawsuits, throwing their support behind hardline candidates of both genders, and brutally enforcing Islamic dress code. तो जो gains आपने लिए थे 2020 में conservative breakdown के मतलब clash के नीचे सारे आपने जो रिफॉर्म्स थे वो पीछे कर दिए. एंड नाउ इरानियन वुमेन एंड इवन मेन आर फाइटिंग बैक. सो वुमेन हैव लॉन्ग बीन एजेंट्स ऑफ चेंज इन ईरान. वुमेन्स हाई टर्नआउट इन द 1997 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ब्रॉट प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी टू ऑफिस एंड हेल्प्ड अशर इन एन एरा ऑफ रिफॉर्म. So women played highly visible roles in the 2009 Green Movement against state-sponsored election fraud, constituting a substantial proportion, if not a majority, of frontline activists in that case. So women developed several initiatives to keep the movement on the streets, such as Mothers in Mourning and Mothers for Peace, well, groups for women who had either lost their children during the protest or seen them arrested, prompting their loved ones to demand justice and their release. तो बात ये नहीं है कि मतलब ये सब आज ही शुरू हुआ है या फिर आपका ये कोई सडन मूवमेंट है जो इस कदर मतलब पेस पकड़ रही है. ये 1979 जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, आयतुल्ला खोमेनी जब से आए हैं आपके, वो तब से ही मतलब ऐसी मूवमेंट्स आपकी somehow रही हैं. तो उन्होंने खैर अगला पैराग्राफ भी शुरू इसी बात से किया है कि Centrality of women's rights in today's uprising makes it different from those earlier instances of women's political mobilization in Iran and unique among recent mass movements in the broader Middle East. Well, agar hum 2010-11 ki Arab Spring se dekhen aur through Sudan's 2019 revolution, protests in the region have often erupted in the wake of the deaths of young men. And this is the first time in the region's recent history that a nationwide uprising has been ignited by the death of a young woman and one from an ethnic minority group, no less. Wo bhi. So the wave of protest in Amini's name signifies broad-based support for women's political power and agency as central to political change in Iran, while underscoring the gendered nature of repression by the regime. Matlab patriarchal outlook ke khilaf log protest kar rahe hain. And her Kurdish identity has evoked even multi-ethnic solidarity, and that's a great sign of consolidation by the Iranians that they are not only fighting for the
बेसिक ईरानियन, बट देन जो वहाँ की एक माइनॉरिटी में है उसके लिए भी इवन वो लड़ रहे हैं, एंड दैट शोज द सो कॉल्ड एग्जाम्पलीफाइड करेज अमंग द पीपल. सो दिस अपराइजिंग इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर रीसेंट कैंपेन्स बिकॉज इट इज़ बींग लेड विजिबली एंड परसिस्टेंटली बाय वुमेन, फ्रॉम प्रोटेस्टिंग इन ट्रैफिक सर्कल्स टू स्पीयर हेडिंग मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस. Women are not just symbolizing freedom but also taking tremendous risk, well in some cases though even losing their lives to demand it. And this has made it more difficult for the regime to put a stop to the uprising and has increased the movement's chances of producing a visible change, jiske liye wo ladkiyan lad rahi hain bechari. So movements in which women play a prominent role tend to attract much larger numbers of participants. डेफिनेटली जैसे हमने शुरू में देखा कि ग्लोबल अपील भी है और कई सपोर्टर्स जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक्टिव सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके से कहने का मतलब वो लोग साथ हैं. ऑन एन एवरेज अगर देखें दे आर अबाउट 7 times एज लार्ज एज मूवमेंट्स दैट साइड लाइन वुमेन, एंड लार्जर मूवमेंट्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड एंड डेफिनेटली वेन दे आर लेड बाय वुमेन. सो बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट्स it is impossible to know just how many people have been active in the movement so far, and as the sociologist Muhammad Ali Kadivar has noted, well however today's movement has attracted far broader support than other recent protests both in the streets and from key sectors of Iranian society. Well, beyond reformist students and intellectuals in major cities, the movement has engaged diverse bases of support, from oil workers to prominent athletes and artists to merchants from Tehran's bazaar. Matlab, people from all walks of the life are coming together to support this transformative change in the Iranian society. So movements with large numbers of female participants also tend to be perceived as more legitimate in the eyes of observers, who often respond to the symbolic power of grandmothers and schoolgirls protesting bravely. Well, in Iran, news of students being killed or detained, often during raids of all girls' schools suspected of defying the hijab law, has catalyzed the teachers' union to go on strike and demand the resignation of the education minister of Iran. Ki agar aap is qadar draconian harkaton pe utar aaye ho to then guys this is definitely like calling for a change. So women's involvement in mass movements also allows activists to gain access to social levers of change that women influence within their families and communities, where they can draw on different networks and norms than those dominated by men. So for instance, in families and communities, women are often able to make moral claims and wield social power in ways that shape the behavior and attitudes of those around them. मतलब community participation हो रही है bottom level से, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं western education को, जान रहे हैं उनके rights के बारे में, तो then they are definitely relying and वो behavioral change कर रहे हैं, मतलब छोटे level से, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जेंडर इंक्लूसिव प्रोटेस्ट मूवमेंट्स आर ऑफ्टन बेटर एट चिपिंग अवे एट द लॉयलिटीज ऑफ रिजीम एलिट्स, एम्पावरिंग रिफॉर्मर्स एंड साइडलाइनिंग हार्डलाइनर्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज. वेल, देयर इज फुटेज ऑफ एन एल्डरली मदर टेकिंग हर सन अवे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन प्रिपेयरिंग टू क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्टर्स, एंड फीमेल सेलिब्रिटीज हैव ऑब्जेक्टेड टू बींग पोर्ट्रेड ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड बिलबोर्ड्स with the slogan ki woman of my land, and the award winning actor Fateme Motamir Arya was among the first to publicly protest, releasing a video in which she appeared without a hijab and said that I am not considered a woman in a land where young children, little girls and freedom loving youths are killed in its fields. To guys, ek draconian change keh lijiye ya ek behavioral change keh lo, jo ek matlab panap raha hai. अब तरीका कैसा भी हो वो तो मतलब डिस्कशन ही नहीं है खैर यहाँ पर द पीपल आर फाइटिंग फॉर बेसिकली अ नोबल कॉज ऑफ देयर्स, क्योंकि जो रिजीम कर रहा है वो भी कोई सही नहीं है इस कदर. देखिए, अगर आप नॉर्म्स को बना रहे हो जहाँ पे कोई वाइटैलिटी ही नहीं है उन लॉज की, और बिल्कुल बेसलेस क्लेम्स हैं अगर उन चीज़ों के बारे में, तो देन दैट डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ चेंज, एंड दैट्स व्हाट द यू नो मॉडर्न पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज़ फाइटिंग अबाउट.
So worldwide, movements led by women also tend to be more innovative, well, particularly in tactics of non-cooperation than those that sideline women. So in Iran, some protest tactics have been uniquely gendered. जैसे कि वुमेन हैव टेकन ऑफ देयर हिजाब्स बर्निंग देम और वेविंग देम वाइल चैंटिंग स्लोगन्स एज विद द फीमेल स्टूडेंट्स हु वर फिल्म्ड शाउटिंग गेट आउट एट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स एट देयर स्कूल. सो वुमेन आर कटिंग देयर हेयर पब्लिकली इनवोकिंग एन एंशियंट पर्शियन मोटिव ऑफ मॉर्निंग एंड आउटरेज ओवर इनजस्टिस एंड लॉन्चिंग अ न्यू सिंबल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेस्ट. An 80-year-old mother whose son was killed in prison unveiled and cut her hair to support the movement after a lifetime of wailing publicly. So, ये साफ दिखाता है कि pent up anger किस कदर है कि even 80-year-old mother जो है वो भी आप देखो किस कदर support में है सामने. So, from the streets of Sanandaj, the capital of Iran's Kurdistan province, to neighboring Afghanistan and Turkey, even to the European Union and Belgian parliaments. Women worldwide are wielding scissors on hair of all colors and textures to symbolize violence against women's bodies and the rejection of conservative standards for beauty and morals. And finally, campaigns with women participating prominently are more resilient in the face of repression, in part because inclusive protests are more likely to remain non-violent. तो एक कारण ये भी है क्योंकि स्टेट को एक मौका नहीं मिलता काउंटर करने का. सबसे बड़ी बात ये भी है. वेल स्टेट वायलेंस अगेंस्ट फीमेल प्रोटेस्टर्स कैन बैक फायर. अटैकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इज ऑफ्टन सीन एज इलेजिटिमेट एंड अ साइन ऑफ गवर्नमेंट वीकनेस एंड डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन. सो दिस वॉज पॉइग्नेंटली सीन इन इरान्स 2009 प्रोटेस्ट व्हेन नेदा आगा सुल्तान अ 26 ईयर ओल्ड वुमेन वॉज शॉट एंड किल्ड बिकमिंग अ मार्टियर फॉर द मूवमेंट. So during the current unrest, reports suggest that the Iranian regime has arrested over 8,000 people, including hundreds of children, and killed upward of 200 protesters. So when young and old, women and children are treated this way, then it poses a serious risk to the perceived legitimacy of the security forces' use of force. And that definitely calls for inadequacies by the international leaders and ऑब्वियसली मतलब दुनिया रिएक्ट करती है. सो हिस्टोरिकली अगर देखें मूवमेंट्स दैट फीचर वुमेन इन लार्ज नंबर्स आर मोर लाइकली देन दोज दैट आर मेल डोमिनेटेड टू लीड टू डेमोक्रेटिक ब्रेक थ्रूज. वेल एग्जाम्पल्स बहुत हैं जैसे कि अर्जेंटीना के डेमोक्रेसी कैंपेन्स, ब्राज़ील, चाइल, पोलैंड एंड द फिलीपींस इन द 1980s. वेल वेयर कैंपेन्स सक्सीड, increased democratization also typically leads to greater respect for civil liberties and gender equality in the years that follow, because ek jo wo pent up demand hoti hai, wo jo ek heat of the moment hota hai, uski wajah se definitely log fir aapke bahut respect karte hain us so called movement ko. So as a result, such movements raise the stakes for authoritarian regime. मुश्किल तो होती है देखिए ऐसे लोगों के लिए जैसे Iranian government के लिए, those who are conservatively oriented now. तो definitely उनको counter करने में problem है क्योंकि ज़्यादा force use करते हैं तो देखो वही जैसे उन्होंने कहा कि फिर वो illegitimacy की बात आती है और backlash और ज़्यादा generate होता है. और regarding the country of Iran basically, तो उसकी position वैसे भी आप जानते हो दुनिया में. And when they are defeated, an intense patriarchal backlash often follows, setting back women's rights to levels lower than before the movement started. क्योंकि फिर आगे से like सामने से भी frustration आपको देखने को मिलती है. So Iran already restricts women's freedom of expression and bodily autonomy in ways that have downstream effects on their freedom of movement, personal and professional opportunities, and self-determination. So this is twinned with legal gender discrimination that has significant economic and political consequences. Jaise ki women in Iran make up more than 50% of university graduates, but just 14% of the labor market, and you can see the huge ambiguities persisting in Iran. So if the current movement falters, then Iranian women are likely to face harsher enforcement of already repressive patriarchal policies. Kyun? वो तो एक और ज़्यादा निप इन द बर्ड करने की कोशिश करेंगे और ड्रेकोनियन मेजर्स और बढ़ जाएंगे उनके इरानियन वुमेन के ऊपर और ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर.
So no one can predict well now ki whether the movement in Iran will succeed or whether the ruling regime will prevail, but some changes now seem inevitable. The sense of the regime's invincibility and women's marginalization from politics well has been shattered. Log itna to samajh gaye ki regime is not all too powerful, but the struggle against patriarchal policies and values will likely continue regardless of what happens. So even if the protests do not lead to the collapse of the regime, the current cries for women, life, freedom may have already shifted the social and political landscape in the favor of more democratization in Iran. And alliances between constituents as diverse as schoolgirls, oil workers and Kurdish nationalists have emerged. वही मल्टी एथनिक सॉलिडारिटी भी देखने को मिल रही है. सो मोर ओवर द डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट हैव रेजोनेटेड अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर रीन्यूड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स हैव जनरेटेड अ सेंस ऑफ कॉमन कॉज अमंग द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल. जहाँ पे जैसे अमेरिका की एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि जो जजमेंट को अभी रिवर्स किया गया है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी ले ली गई है. तो डेफिनेटली ईरान में जिस कदर आपकी कॉल्स चल रही हैं तो वो अमेरिकन वुमेन को भी मतलब एक पुश करती हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड द मूवमेंट विल हैव टू वेदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्स्टेकल्स एंड ट्रांसेंड द इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इम्पोज बाय द ईरानियन गवर्नमेंट अपॉन देम. सो इंटरनेशनल एक्टर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ could help protesters by providing alternative means of accessing the internet, enabling them to circumvent government shutdowns to communicate with one another and with the rest of the world. But even without such assistance as well, the videos and photographs that have made it through Iran's media blackout demonstrate ki how women can act as powerful agents of change, even perhaps particularly under patriarchal authoritarian politics. उसके बावजूद भी वो दिखा रहे हैं वट दे आर केपेबल ऑफ. एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, फिर चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या फिर कंट्रीज हों जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर हो, तो डेफिनेटली मतलब सबको सपोर्ट करना होगा. और जो एक मेन आर्टिकल का मेन इशू था कि मतलब सक्सीड क्यों करते हैं, क्योंकि लेजिटिमेसी लेके आते हैं. और उसके बाद की जो प्रॉब्लम है कि जो बैकलैश आपका रिजल्ट होता है, तो उन्होंने उसके बारे में भी खैर बात आपसे की कि बाद में अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो एक रिस्पॉन्स आएगा, जो एक काउंटर आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. एंड यू डेफिनेट और इवन नो बडी वुड वॉन्ट दैट टू हैपन इन ईरान और इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दैट इज़ द आर्टिकल वी हैव गाइज एंड आई होप यू हैव लाइक द आर्टिकल. सो विल सी यू टुमारो गाइज इन द नेक्स्ट आर्टिकल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट ट्राई टू यू नो लाइक हैव सम काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सम ओपिनियंस. थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने आप सोचें, अपने आप इस बात को समझें, खुद के बारे में भी सोचिए और फिर रियलाइज़ कीजिए कि ओपिनियन मेकिंग या ओपिनियन फॉर्मेशन जो है वो किस कदर आपका सही है. सो दैट्स समथिंग वी नीड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. विल सी यू टुमारो इन अनदर वीडियो. टेक केयर.